देखिए, मेरा मानना है ये साल जो है यहाँ पर रेलवे, पावर, डिफेंस और पीएसयू बैंक्स का साल रहने वाला है। तो मेरा जो पिक रहेगा वो रेलवे सेक्टर से है और उसका नाम है रेलटेल। कंपनी सिर्फ 4,000 करोड़ के मार्केट कैप पे अवेलेबल है, 5,000 करोड़ का उनके पास में अनएग्जीक्यूटेबल ऑर्डर बुक है जो अगले 2 से 2.5 साल में उन्हें एग्जीक्यूट करना है। और एक कंपनी ने बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन किया है कि हम क्या रेलटेल को वैल्यूशन ज्यादा क्यों नहीं देते थे, क्योंकि एक बैंडविड्थ सर्विस प्रोवाइडर के नाम से जाना जाता था पहले, पर कंपनी अब पूरा आईसीटी के सारे जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करने लगी है। जैसे हमने एनएमडीसी को देखा, एनएमडीसी के साथ सारी माइंस उनके ऑफिसेस को कनेक्ट कर रही है, आईआईएम अहमदाबाद में उन्होंने वीटीएन और लीज लाइन प्रोवाइड किए। तो काफी जो गवर्नमेंट रिलेटेड बिजनेसेस है वहां पर प्रायोरिटी अब रेलटेल को दी जा रही है, क्योंकि उनके पास में करीब 61,000 किलोमीटर के पास में आसपास बैंडविड्थ अवेलेबल है, ऑप्टिकल फाइबर सर्विसेज अवेलेबल है। तो मेरा मानना है 200 करोड़ उन्होंने लास्ट ईयर कमाया था, इस साल कम से कम जो प्रॉफिट बढ़ के 250 करोड़ के आसपास मेरा मानना है आएगा, और 20% की सीएजीआर ग्रोथ कम से कम अगले 2 साल तक है। तो बिल्कुल रेलटेल पे नजर रखनी चाहिए, काफी अंडरवैल्यूड स्टॉक है मेरी। ओके रेलटेल, अभी जिक्र हो ही रहा था इस स्टॉक का, उधर पहले भी 128.55 पे रहा, लेकिन से बाय कॉल आई।